हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सीलिंग को हम लोग कैसे बनाते हैं, उसी सीरीज को हम आगे चलते हुए हमने वॉल कमांड से स्टार्ट किया था। दैट मीन फ्रॉम बॉटम हमने स्टार्ट किया था। कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरे टॉपिक्स को कवर कर सकें। लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाउ टू गेट योर एरिया, एरिया को कैसे निकालोगे, और उससे पहले वाली वीडियो हमने सीलिंग के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, आज के वीडियो में मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, तो मैं उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने के लिए मैं आया हूँ आज। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो क्वेश्चन आप सबको बता दिया जाए। तो उसने क्वेश्चन पूछा कि अगर सर हमने कोई एक घर बनाया और घर के सामने मैं कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, टेक्स्ट इन द सेंस कि मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ या कुछ और भी लिखना चाहता हूँ, तो हम लोग कैसे लिखेंगे। तो हमने आज का मेरा टॉपिक यही रहेगा। तो साजिद नाम के मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा, तो अभी हम उसका आंसर देने जा रहे हैं कि कैसे किस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको वॉल पे यहाँ कमांड पे क्लिक करना पड़ेगा, जैसा कि हम पहले भी आपको डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। और सपोज़ लाइक आपने एक यहाँ पे छोटा सा बिल्डिंग तैयार कर लिया, और बिल्डिंग करने के बाद आप इसको देखो यहाँ पे, जैसे आप इसको 3D व्यू में देखते हो तो इट्स लुकिंग लाइक दैट। सपोज इफ़ यू वांट योर रियलिस्टिक व्यू, फॉर दैट यू कैन जस्ट क्लिक हियर ऑन विजुअल स्टाइल बॉक्स एंड गो टू रियलिस्टिक। आफ्टर इट दोस्तों, आपको सबसे पहले इनको सेलेक्ट करना चाहिए, और सेलेक्ट करने के बाद इनकी हाइट को कम करना चाहिए। हाइट को कम करने के लिए आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर लिख दीजिए 10 फीट। सपोज आपने 10 फीट चाह, ठीक है, तो ये आपके सामने एक फ्रेम है दोस्तों। अब आप इस फ्रेम के ऊपर कुछ लिखना चाहते हो, कुछ लोगों को पता होगा कि लिखते कैसे हैं, बट इस फ्रेम पे कैसे लिखते हैं बहुत ही कम लोगों को पता होगा। तो लाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे सपोज आपने कोई घर लाइक कुछ आपने एक्सटीरियर डिजाइन बनाया, बाहर कुछ लिखना चाहते हो, आप किसी कंपनी का प्रोजेक्ट कर रहे हो तो कंपनी का लोगो टाइप का कुछ लगाना चाहते हो, फॉर दैट क्या करोगे हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों उसके लिए हम लोग यहाँ पर आना चाहिए, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मॉडल टेक्स्ट। क्या लिखा हुआ है, मॉडल टेक्स्ट। तो मॉडल टेस्ट क्या होगा, जनरली आप क्या करते हो, मॉडल टेस्ट को लिया, और ये लेने के बाद आप सपोज यहाँ पे आप कुछ लिखना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है यूनिक सिविल, ठीक दोस्तों, ये मेरे वेबसाइट का नाम है और मेरे चैनल का भी नाम है। वेबसाइट मेरा है जैसे कि पूरा, अगर पूरे वेबसाइट का मैं नाम लिखता हूँ तो www.uniqcivil.com, इस तरह से हमने वेबसाइट का नाम लिखा, और ये लिखने के बाद ओके किया। दोस्तों जब मैं इसको लगा रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे इस फ्रेम पे लग रहा है, ठीक है। बट आप कहाँ लगाना चाहोगे, आप यहाँ पे लगाना चाहोगे, आप इस वॉल पे लगाना चाहोगे ना दोस्तों। तो वॉल पे कैसे लगाएंगे आज हमको वो देखना है, ठीक है। हमको वॉल पे मतलब इस एक्सिस पे कुछ भी लगाना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही लाइक मज़ेदार है, और आप बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इसको कर सकते हो। दोस्तों आप इसको देख रहे हो बहुत अच्छी बात है, अगर आप पहली बार देख रहे हो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसके बाद उसके बेल आइकन पे क्लिक करो, और बेल आइकन पे क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ पर आओ और इसका कंटिन्यू करो। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, एंड देन लेट्स स्टार्ट। दोस्तों पहले हम लोग को क्या करना है, पहले हम लोग को यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखना है, तो इस फ्रेम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस फ्रेम को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शो वर्क प्लेन। आपका वर्क प्लेन अभी क्या है, इस तरह से है, बट अगर आप वर्क प्लेन इस वॉल को बनाना चाहते हो, फॉर दैट फर्स्ट यू क्लिक ऑन शो। देखिए वो आपका दिखने लगा यहाँ पे क्या है वर्क प्लेन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेट पर क्लिक करिए, और सेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या दिख क्या रहा है, पिक अ प्लेन। तो आपने इस पर क्लिक किया, और इस पर क्लिक करके ओके किया, और ओके करके दोस्तों आपने जैसे इस पर क्लिक किया तो देखो तो ये आपके सामने क्या हो गया, इस तरह से प्लेन इसका सेलेक्ट हो गया। अब दोस्तों जो भी आपको लिखना है इजिली यहाँ पे मॉडल टेस्ट पर क्लिक करिए, वो यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे कि हमने फिर से वही बताया यूनिक सिविल, आपने इस तरह से लिखा, और ये लिखने के बाद यहाँ पर ओके कर दिया। दोस्तों आप यहाँ पे देखिए तो इसकी जो स्पेसिंग है हमारे वर्क प्लेन की कितनी है, 4 फीट है, ओके। तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखो अगर आप जैसे यहाँ पे लिख रहे हो तो ये यहाँ पे तुरंत का तुरंत लग जा रहा है। देखिए आपके सामने एक अच्छा सा लिख के आ गया, क्या, यूनिक सिविल। दोस्तों यूनिक सिविल किस वर्क प्लेन पर लिख के आया, इस वर्क प्लेन पर। अगर इस वर्ड में कोई सेटिंग कोई चेंजिंग करना चाहते हो, आप इसके विड्थ या डेप्थ को बढ़ाना चाहते हो, तो आप देखो यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे डेप्थ। दोस्तों यहाँ से आप इसके डेप्थ को बढ़ा सकते हो, एंड आफ्टर इट सपोज यू वांट टू इंक्रीज द साइज ऑफ दिस वन, लाइक इसमें साइज कितना इसका 24 इंचेस है। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज यू कैन गो एडिट टाइप एंड एवरीथिंग यू कैन इंक्रीज, लाइक इसमें टेस्ट की जो साइज है कितना है, 2 फीट, ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया 24 इंच, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो 3 फीट कर सकते हो, चाहो तो 1 फीट कर सकते हो। बोल्ड करना है दोस्तों तो उसके लिए आप बोल्ड पे क्लिक कर दो, इटैलिक करना है तो इस पर इटैलिक पे क्लिक कर दो और अप्लाई करो,
और देखोगे आपको तो इस तरह से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वर्ड दिखने लग गया। होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग मॉडल टेस्ट को लिखेंगे। ये साजिद की प्रॉब्लम थी, उन्होंने दिया था तो ये हमने उनको सॉल्व करके दिया। दोस्तों ऐसे ही अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ भी पूछना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। डेफिनेटली जिस तरह से हमने साजिद के क्वेश्चन को आपके सामने शो किया, ऐसे ही आपके भी क्वेश्चंस के ट्यूटोरियल्स हम तैयार करके आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। एक दूसरे स्टूडेंट ने का क्वेश्चन था कि सर लाइक जैसे हम ऑटो कैड में काम करते हैं, ऑटो कैड में हम लोग शॉर्ट की डालते हैं, एल इंटर पी इंटर एंड ऑल, क्या इसी तरह से हम लोग रेविट आर्किटेक्चर में भी शॉर्ट की कमांड का यूज़ कर सकते हैं? तो मैंने कहा ठीक है, हम आपके लिए भी एक वीडियो तैयार करते हैं और आपको प्रेजेंट करके देते हैं। तो आज का सेकेंड टॉपिक हमारा इस वीडियो का रहेगा कि हाउ टू क्रिएट अ शॉर्ट की इन रेविट आर्किटेक्चर। बहुत ही कम लोगों को पता होता है, रेविट लोग सीख लेते हैं बट उन्हें शॉर्ट की कैसे बनाते हैं ये नहीं पता होता। तो आज दोस्तों हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट की किस तरह से तैयार करते हैं रेविट में। सबसे पहले तो हम लोग लेवल में चले गए और आफ्टर इट जस्ट गो टू एप्लीकेशन मेनूबार एंड सी द ऑप्शन इज देयर ऑप्शन, जस्ट क्लिक ऑन ऑप्शन। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखोगे तो क्या आपको मिलेगा, यहाँ पे आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा यूजर इंटरफेस। जैसे आपने यूजर इंटरफेस किया दोस्तों तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, कीबोर्ड शॉर्ट की, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ठीक है। अब शॉर्टकट्स पे गए और यहाँ पे कस्टमाइज पे जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पे देखो तो सारी कमांड्स आ गई है। देखिए पहली कमांड कौन सी है, मॉडिफाई। यहाँ पे देखिए इसकी बाय डिफॉल्ट इसकी जो शॉर्ट की है वो यहाँ पर ऐड होके रखी हुई है, ठीक है। मॉडिफाई की जो शॉर्ट की है यहाँ पर ऐड होके लगी हुई है। आप इनको चाहते हो कि चेंज करना चाहते हो तो आप इनको चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे प्रॉपर्टी बॉक्स है, प्रॉपर्टी बॉक्स का जो शॉर्ट की है यहाँ पे पीपी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे लाइन के लिए यहाँ पे एल आई लिखा हुआ है, प्लेस अ कंपोनेंट के लिए सी एम लिखा हुआ है, मॉडल ग्रुप के लिए यहाँ पे जी पी लिखा हुआ है। तो इसी तरह से सारी जितनी जैसे कमांड हमारे ऑटो कैड में थे वैसे ही कमांड्स यहाँ पर भी हैं। इनके लिए क्या करो, इनके लिए अपनी शॉर्ट की बना लो अपने कंफर्टेबल, लाइक आप जिस तरह से कंफर्टेबल हो। तो कोशिश करिए कि कमांड का शॉर्ट की ऐसा दीजिए जो आप ऑटो कैड में सीखे हो, जिसका जो जिस तरह से आपको ऑटो कैड में ये सीखना है, लाइक आपने काम किया है, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, वही शॉर्ट की याद करके उसी शॉर्ट की से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। जैसे कि मैं गया यहाँ पे और इस प्रॉपर्टी बॉक्स के लिए मैंने एक नया सोचा कि एक नया शॉर्टकट तैयार करते हैं। तो उसके लिए हम देखिए नया शॉर्टकट कैसे तैयार करेंगे। सपोज हमने कहा कि प्रॉपर्टी बॉक्स को हम लोग कंट्रोल प्लस, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, प्लस पी, सॉरी यहाँ पे कंट्रोल प्लस पी वर्ड्स ज़्यादा हो जा रहे हैं इसलिए इसकी वजह से इसको नहीं बना रहा है। इसके लिए मैंने दूसरा वर्ड देना चाहा तो जैसे कि यहाँ पे पी पी है प्रॉपर्टी बॉक्स, तो हमने यहाँ पे पी दिया केवल। और जैसे आपने पी दिया दोस्तों तो यहाँ पे देखिए तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे असाइन का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे आप पी को असाइन करना चाहते हो, आप जैसे असाइन करोगे तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, पी भी इसकी एक शॉर्ट की बन गई, पी भी इसकी एक शॉर्ट की बन गई। अगर आप चाहते हो कि पी पी आपका गायब हो जाता, आप इनको सेलेक्ट करो, इसके यहाँ पे जैसे रिमूव करोगे देखिए यहाँ पे पी पी गायब हो के आपको क्या मिल गया, केवल और केवल पी मिल गया दोस्तों। इसी तरह से एम डी के लिए अगर आप चाहते हो केवल एम आपकी शॉर्ट की है तो आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे एम लिख के असाइन कर दो, बट हमें नहीं करना है सो हमने इसको नहीं किया। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग सारे तरीके के शॉर्ट कीज को बना सकते हैं और शॉर्ट की को बना के ऑटो कैड की तरह इसमें भी हम लोग यूज करके अपने काम को अपने वर्क को फास्ट कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग शॉर्ट की तैयार करते हैं और किस तरह से हम लोग मॉडल टेस्ट के बारे में देखा कि किस तरह से हम लोग मॉडल टेस्ट को बनाते हैं। दोस्तों इसके बाद हमने इसको इस तरह से हमने सेव चेंज कर दिया एंड ओके, तो देखा कि किस तरह से हम लोग इस पर काम करते हैं। अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों वो हम लोग स्टेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमारा स्टेयर्स का सेशन नहीं हुआ तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टेयर्स के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। आपको सबसे पहला आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, शो, ये आपको पता होना चाहिए। शो क्या करता है, वर्क प्लेन बताता है किस वर्क प्लेन पे हो आप और यहाँ पे सेट करते हो आप वर्क प्लेन की कौन सा वर्क प्लेन आपको चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये अगर आपको पता है तो काफ़ी आप इजिली तरह से काम कर सकते हो अपने रेविट आर्किटेक्चर में। थैंक यू सो मच यार देखने के लिए एंड जिस तरह से आप लोग हमारे पिछली वीडियोस को प्यार दे रहे हो, इससे ज़्यादा प्यार देने की कोशिश करो आगे के वीडियोस पे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करो दोस्तों, जिस तरह से हम इन दो लोगों के कमेंट्स पे एक वीडियो तैयार करके आपको प्रेजेंट किए, आपके वीडियो को डेफिनेटली हम लोग तैयार करेंगे आपके भी प्रॉब्लम्स पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद जय भारत दोस्तों।